जोहार, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। पिछली कक्षा में हमने बात की थी शब्द की, शब्द और पद में क्या अंतर है। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं और बनावट के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शब्द के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शब्द के अंतर्गत ही लगभग जितने प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी लगभग शब्द के भीतर से ही आ जाते हैं। तो आज हम लोग ये भी जानेंगे कि वे किस तरह से होता है। इसके पहले कक्षा में हमने वर्ण को पढ़ा था और व्याकरण में एक चीज जो खास होती है कि इसमें कहीं भी जब आप उत्तर देते हैं तो आपके मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। जो आंसर आप बता रहे हैं, जो उत्तर आप बता रहे हैं, उसके पीछे एक स्पष्ट नियम होना चाहिए और उस नियम की जानकारी आपको होनी चाहिए। इन सभी बातों को याद रखना कभी कभी बहुत कठिन लगता है। इसके लिए जरूरी है कि हम व्याकरण को एक क्रम से पढ़ें। जब हम क्रम से पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे ध्यान पे रहती हैं, वो कैसे बनी, उनका क्या उपयोग है और भाषा को व्यवस्थित करने में उनका क्या योगदान है। इन चीजों को समझते हुए जब हम व्याकरण को पढ़ते हैं तो हम ज्यादा उसको अपने स्मृति में रख पाते हैं, उसको हम ज्यादा अपनी मेमोरी में रख पाते हैं। तो इसीलिए जब हमने कक्षा की शुरुआत की तो वर्ण से शुरुआत की, फिर हम शब्द पर आए और शब्द के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में जब हमने बात की थी शब्दों की देशज विदेशज, तो उसमें देशज विदेशज तत्सम तद्भव, उसके साथ रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, तो हमने कुछ प्रश्नों की भी चर्चा की थी। तो उन प्रश्नों के उत्तर देते समय बहुविकल्पीय प्रश्नों में ज्यादातर ऐसा होता है कि जब आप एक सही उत्तर का चयन करते हैं उसके साथ साथ तीन उत्तर जो उसमें होते हैं वो आपको भ्रम की स्थिति में डालते हैं। तो वहां पर आपको ये भी देखना होगा लॉजिकली कि अगर एक उत्तर सही है तो तीन गलत क्यों है। और जब आप इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं इसका मतलब है कि आपने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो हमेशा इस बात का ख्याल एमसीक्यू का आंसर करने में रखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे शब्द के, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, दो भेद होते हैं विकारी और अविकारी। अब यहां पर विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि से कोई परिवर्तन आता है। अगर परिवर्तन आएगा तो शब्द हो जाएगा विकारी, लेकिन अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो शब्द हो जाएगा अविकारी। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, लड़का। इसका अगर हम लिंग बदले तो क्या हो जाएगा, लड़की। अगर हम इसका वचन बदले तो क्या हो जाएगा, लड़के। तो लिंग और वचन से इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, यानी कि यह कौन सा शब्द होगा, विकारी होगा या अविकारी होगा। यह शब्द विकारी होगा क्योंकि इसमें लिंग, वचन, कारक, काल से परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह हम दूसरा शब्द लेते हैं, इधर या कहां। अब इसके हम क्या इसमें हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं या वचन इसका बदल सकते हैं। अगर लिंग या वचन बदलेगा तो क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह शब्द क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा अविकारी। यह शब्द अविकारी कहलाएगा, यानी कि इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अब इस आधार पर हम शब्दों को बांटेंगे कि कौन कौन से शब्द विकारी होते हैं और कौन कौन से शब्द अविकारी होते हैं। तो विकारी शब्दों में हम देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये गलत है, ऐसे होगा, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार जो है वो विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर क्या आएंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी का अर्थ तो हमने जान लिया कि क्या है, कि जिससे जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। किससे परिवर्तन नहीं हो, तो लिंग, वचन, कारक और काल से, जिसके जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ऐसे शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय ना हो, यानी कि जिसका खर्च ना हो, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर आपके पास कुछ धनराशि है और उसका व्यय होता है तो क्या होगा, वो पैसे कम हो जाएंगे, उसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर कुछ व्यय नहीं हुआ है तो वह क्या होगा, पहले के जैसा ही रहेगा। तो इस तरह से हम अव्यय को समझ सकते हैं कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या हो गया, अव्यय हो गया। तो अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनके बारे में हम जानेंगे। आज हम लोग खासतौर से जिसके बारे में जानना है वह है संज्ञा। आज हम लोग खासतौर से संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा के बारे में आप पहले से जानते होंगे क्योंकि व्याकरण में यह बहुत आधारभूत चीज है संज्ञा के बारे में जानना। और आप ये भी जानते हो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, बहुत ही साधारण सी इसकी परिभाषा है। इसके भेदों से भी आप लगभग परिचित होंगे, लेकिन फिर भी जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो यही छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हमें गहराई से समझनी होती है, जिसे हम ऊपरी तौर से समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जब हम इन भेदों की बात करेंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर होता है, भाववाचक और गुणवाचक में क्या अंतर है, द्रव्यवाचक किसको कहेंगे, है ना, इस तरह से कई सारे सवाल इसके भीतर आते हैं। और जब विकल्प आएंगे तो इसी तरह के कंफ्यूजन वाले विकल्प रहते हैं, जिसमें हमें इन्हें जानकर, इसके कॉन्सेप्ट को जानकर, इसकी अवधारणा को जानकर, और फिर हमें वहां पे स्पष्ट अपना उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक के बारे में। संज्ञा की परिभाषा आप जानते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, देखिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या किसी व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के जितने भेद हैं इनकी परिभाषा भी इनके नाम से ही स्पष्ट है। व्यक्तिवाचक यानी कि किसका बोध हो, व्यक्ति का बोध हो या फिर किसी ऐसी चीज का बोध हो जो केवल एक हो। जैसे इसमें कई सारे उदाहरण आ सकते हैं, इन उदाहरणों के बारे में हम थोड़ा ज्यादा सोच सकें कि कहाँ तक ये उदाहरण जा सकते हैं, तो हम इस तरह से इसको पॉइंटर्स में जान सकते हैं। सबसे पहले है व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्ति, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं जो प्रसिद्ध व्यक्ति है और वो या उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वह आएगा व्यक्तिवाचक के रूप में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं सावित्री, एक व्यक्ति है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक है। इसके बाद हम लिखते हैं द्रौपदी, एक व्यक्ति है। इसी तरह श्याम या कोई भी नाम हम ले सकते हैं, अगर हम अकबर के बारे में बात कर रहे हैं अकबर लिख सकते हैं, है ना। इस तरह कोई भी नाम जो या तो प्रसिद्ध हो या फिर उसका संदर्भ ज्ञात हो कि हम उसी नाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब इसके बाद है दिशाओं का नाम। दिशाओं में जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, इन दिशाओं के बारे में, इन दिशाओं का अगर जिक्र कहीं भी किसी भी पंक्ति में है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। जब हम ये तो आपको पता है कि संज्ञा क्या है, पद है, और जब हम पद विन्यास करते हैं यानी कि किसी एक वाक्य में उसके पदों के बारे में विन्यास करते हैं, यानी कि उसमें क्या क्या, उसको पूरा हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हम उसके बारे में सब कुछ लिखते हैं, यानी कि यह पद संज्ञा है और कौन सी संज्ञा है, कौन से लिंग में है, है ना, और यह कौन सा कारक है, कर्ता है या कर्म है, उसको भी हम लिखते हैं। इस तरह से जब हम
उस विन्यास की तरफ भी जाएंगे तो यहाँ पर दिशाओं के नाम अगर किसी पंक्ति में है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद देशों के नाम, जितने देश हैं, मान लीजिए भारत, पाकिस्तान, कोई भी देश, नेपाल, जो भी देश है उनके नाम भी व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जाति से आप क्या समझते हैं? जैसे राष्ट्र के नाम पर उस पूरे वहां की पूरी जनता को कहा जाता है। जैसे अगर हम भारत के निवासी हैं तो हमें क्या कहा जाता है? भारतीय। अगर कोई रूस का निवासी है तो उसको क्या कहा जाता है? रूसी। इसी तरह कोई जापान का निवासी है तो हम उसको जापानी कहते हैं। तो राष्ट्रीय जातियों के नाम जो होते हैं, जैसे मान लीजिए भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली, ये सब जितनी जातियां हैं, राष्ट्रीय जातियां हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसके बाद है समुद्रों के नाम, जितने तरह के समुद्र हैं, जैसे हिंद महासागर, भूमध्य सागर, ये सब जितने हैं, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद ये सागर के नाम आप देखेंगे, जितने भी समुद्रों के नाम है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नदियों के नाम, जितनी नदियां हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम झारखंड की बात करें, स्वर्णरेखा नदी है, दामोदर, कोयल, जो भी नदी का हम नाम लें, वो सभी नदियां व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगी। इसके बाद हम देखते हैं पर्वतों के नाम। बहुत से पर्वत हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, जितने पर्वत हैं वो उनके नाम भी आएंगे। हिमालय, अलकनंदा, जितने भी पर्वत हैं उनके नाम आ जाएंगे। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, नगर जैसे जितने भी शहर हैं, जैसे वाराणसी है, गया है, दिल्ली है, जो भी है, तो वो शहरों के नाम हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं बोकारो ही लिखते हैं। उसके बाद चौकों के नाम, जो भी चौक है हमारे आसपास, मान लेते हैं अम्बेडकर चौक है, इसके बाद सड़कों के नाम, कई सारे सड़कों के नाम रखे होते हैं तो उनके नाम भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे दिल्ली में है ना अशोक मार्ग, पटेल मार्ग, तो ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद अब ऐतिहासिक पुस्तक तथा समाचार पत्रों के नाम, यहाँ समाचारों के नाम है, इसको हम पढ़ेंगे समाचार पत्रों के नाम। तो जितने भी किताबें हैं, जितने भी न्यूज़पेपर हैं या बुक्स हैं, उनके जितने नाम हैं वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। चूंकि आप लोग इसके उदाहरणों से भली भांति परिचित हैं तो इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, लेकिन जितनी पुस्तकें हैं, रामायण है, महाभारत है या कोई भी अन्य पुस्तक आप ले सकते हैं, इसके साथ जितने समाचार पत्र हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद है ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। ऐतिहासिक युद्ध जैसे कि पानीपत की लड़ाई, सिपाही विद्रोह, है ना, तो और घटनाएं जैसी हैं हरित क्रांति, अक्टूबर क्रांति, तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद है दिन महीनों के नाम। तो ये तो आप जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और साल में 12 महीने होते हैं, तो इनके जितने नाम है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। त्योहार और उत्सव, त्योहार और उत्सव के नाम, तो त्योहार में कोई भी त्योहार हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोहराय, होली, है ना, कोई भी उत्सव, ईद, ये सारे जितने भी त्योहार या उत्सव हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो मुझे लगता है कि अब तक व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप समझ चुके होंगे कि कोई भी चीज जो किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर वो दुनिया में एक ही हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह है जातिवाचक संज्ञा। तो अगर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का की जो परिभाषा है उसको जान लिया है तो अब आगे हमें कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही उस वाक्य को दोबारा फ्रेम करने की जरूरत है। हम बस उसी के इसके नाम के आधार पर ही इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति से पता है, जाति यानी कि उसी तरह के बहुत सी चीजें, तो
ये एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का जिससे बोध हो वो कहलाएगा जातिवाचक। अब किस तरह इसके अंतर्गत चीजें आती हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि मनुष्य, मनुष्य मतलब मनुष्य जाति, बहुत से लोग हैं जो कि मनुष्य हैं, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह घर, घर क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि छोटे हो बड़े हो जैसे भी हो लेकिन घर हैं और ढेर सारे हैं, समूह में है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। इसी तरह पहाड़, नदी, तो जब हम किसी खास पहाड़ या किसी खास नदी का नाम लेंगे, किसी खास मनुष्य का नाम लेंगे या किसी खास घर का नाम लेंगे तो वो जाएगा व्यक्तिवाचक में, लेकिन अगर हम केवल मनुष्य, घर, पहाड़, नदी कहते हैं तो ये सारा किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। क्योंकि पहाड़ कहने से किसी एक पहाड़ का बोध नहीं हो रहा है, मतलब संसार में जितने पहाड़ हैं सबका बोध हो रहा है। इसी तरह नदी कहने से किसी एक नदी का बोध नहीं हो रहा है बल्कि जितनी नदियां हैं संसार में उन सबका बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञाएं किन किन स्थितियों की होती हैं। तो सबसे पहले है संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, ये हमेशा क्या होंगे, जातिवाचक होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संबंधियों, संबंधियों में कौन कौन आते हैं, जैसे मान लेते हैं बहन, चाचा, है ना, इस तरह जितने रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनके नाम जातिवाचक में ही आएंगे। इसके बाद है व्यवसाय, व्यवसाय जैसे मान लेते हैं शिक्षक, जुलाहा, है ना, तो ये सारे व्यवसाय हो गए। अब पद, बहुत सारे जितने भी पद होते हैं, जैसे हम अगर हायरार्की से ही देखें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, क्लर्क, जितने पद हैं ये सारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके अलावा कार्य, कार्य भी जैसे मान लीजिए लकड़ी का काम है, कौन करता है, बढ़ई करता है, तो इस तरह से जो कार्यों का बंटवारा है वो भी जातिवाचक के अंतर्गत आता है। इसके बाद है पशु और पक्षियों के नाम, तो जितने पशु पक्षी हैं, जैसे घोड़ा, अब घोड़ा कहने से किसी एक घोड़ा का बोध नहीं हो रहा है, जैसे एक घोड़ा है जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, उसका नाम है चेतक, है ना, तो यहाँ पे हम अगर चेतक कहते हैं तो वह व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन अगर हम घोड़ा कहते हैं तो यह आएगा कि इसमें जातिवाचक में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे घोड़ा कहने से किसी एक घोड़े का बोध नहीं हो रहा है बल्कि जितने घोड़े हैं उन सबका बोध हो रहा है। इसी तरह से पक्षियों में अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कौवा, कौवा कहने से सारे कौवों का बोध हो रहा है, तो यह भी किस में जाएगा, जातिवाचक में ही जाएगा। हम लिखते हैं तोता, तोता भी जातिवाचक होगा, लेकिन अगर हम जायसी पढ़ते हैं और वहां पे हीरामन तोता की चर्चा है, और वहां पे अगर हीरामन तोता है तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर यहाँ पे तोता है तो ये सारे तो मतलब जितने तोते हैं सबका बोध करा रहा है, तो यह हो जाएगा जातिवाचक। अब हम देखते हैं वस्तुओं के नाम, जितनी वस्तुएं होती हैं आपके अपने आसपास आप देख सकते हैं, जो भी चीजें हैं, मान लीजिए कुर्सी है, टेबल है, जो भी चीजें हैं, वो सभी वस्तुओं के नाम जो है वो जातिवाचक होंगे, क्योंकि वस्तु किसी एक की ओर इंगित नहीं कर रहा है बल्कि संसार में जितनी कुर्सियां हैं सब की ओर इंगित कर रहा है, तो यह भी जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। इसी तरह आप अपने आसपास जितनी वस्तुओं को देखते हैं वो सभी वस्तुएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्व क्या होते हैं, जैसे ये जो संसार है इसमें प्रकृति अपने हिसाब से कुछ कुछ करती रहती है, और उन्हीं तत्वों को हम कहते हैं प्राकृतिक तत्व, जैसे तूफान, बिजली, इसके बाद हम कह सकते हैं वर्षा, और झारखंड की ही समस्या है वज्रपात, भूकंप, है ना, तो इस तरह से जितनी प्राकृतिक चीजें होती हैं, ज्वालामुखी भी हम लिख सकते हैं, तो ये सारी आएंगे किसके अंतर्गत, जातिवाचक के अंतर्गत, यानी कि ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, इनको याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है,
आप इन पॉइंटर्स को याद रखिए, केवल संबंधियों, पशु, वस्तुओं, प्राकृतिक तत्वों, ठीक है। इस तरह से अगर आप इन पॉइंटर्स को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसके उदाहरण ढूंढ पाएंगे। दूसरी चीज है कि एकदम अपने मन में ये ध्यान करके रखिए कि अगर कोई वस्तु सिर्फ एक है तो वह व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन अगर कोई वस्तु या व्यक्ति ऐसा है जो पूरे समूह का बोध करा रहा है तो वह जातिवाचक होगा। अब हम देखते हैं अगला, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे ये वस्तु होगा, यहाँ पर आप परिभाषा देख सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता आदि। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में आप देखेंगे कि हर पदार्थ का एक धर्म होता है ना, हर पदार्थ का एक धर्म होता है। जैसे पानी में शीतलता होती है, आग में गर्मी होती है, मनुष्य में देवत्व होता है या पशुत्व होता है ना। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता है। अगर एक मनुष्य है तो उसका जो आचरण है, उसका जो गुण है, वह उससे अलग नहीं रहेगा, उसके अंदर ही वह रहेगा। घोड़ा है तो उसमें बल है, उसमें वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव, ये सारे शब्द, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं धर्म, गुण, अर्थ या भाव। यहाँ पर अर्थ का मतलब मीनिंग है, यहाँ पे अर्थ का अर्थ का मतलब धन नहीं है। तो धर्म, गुण, अर्थ और भाव, ये चारों शब्द जो हैं लगभग पर्यायवाची हैं। और जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि जिसकी बात की जा रही है यह उसका गुण हो सकता है, उसका धर्म हो सकता है, उसका भाव हो सकता है या फिर उसका अर्थ हो सकता है। इस संज्ञा का अनुभव, मतलब इस संज्ञा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, भाववाचक है यानी कि हम इंद्रियों से उसे महसूस कर सकते हैं। और प्रायः आप देखेंगे कि इन शब्दों का बहुवचन नहीं होता है, जो भाववाचक संज्ञा होंगी उनका बहुवचन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा के बारे में हम इस तरह से जान सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि यह तो निहित है, व्यक्ति हो या वस्तु हो, पदार्थ हो, उसमें निहित है। तो इसका निर्माण भी कैसे होगा, तो कभी जातिवाचक से होगा, कभी विशेषण से होगा, कभी क्रिया से होगा या कभी अव्यय से होगा। तो इसका निर्माण किस तरह से होता है इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे निर्माण होगा इसका। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, नम्रता का। अगर नम्र का अगर नम्रता हो रहा है तो बूढ़ा का क्या होगा, इसका गुण क्या है, किसी को हम बूढ़ा कब कहते हैं, जब उसमें बुढ़ापा आ जाता है ना, तो ये उसका गुण है। तो जातिवाचक संज्ञा बूढ़ा से क्या बना, बुढ़ापा। इसी तरह हम देखते हैं लड़का, कोई लड़का क्यों है, क्योंकि उसके अंदर गुण क्या है, लड़का होने पर लड़कपन। तो यह हो गया भाववाचक संज्ञा। इस तरह जातिवाचक संज्ञा से जैसे मित्र है तो मित्रता हो जाएगा, दास है तो दासत्व हो जाएगा, पंडित है तो पंडिताई हो जाएगा, है ना। तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण से। तो जैसे हम कहते हैं कि खाना बहुत गर्म है, तो गर्म क्या है, विशेषण है। अब यह विशेषण है गर्म, इससे अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कैसे होगा, गर्मी, क्योंकि तो इसका गुण क्या है, गर्मी है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि सर्द, मौसम बहुत सर्द है, अब इस सर्द कैसे होगा, सर्दी। इसी तरह कठोर, कठोर से कठोरता। इस तरह हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, मधुर से मधुरता, है ना, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, ये सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब क्रिया से, जैसे घबराना, घबराना यह क्या है, क्रिया है। अब
घबराना का पता कैसे चलता है, यानी कि उसका गुण क्या है? तो घबराहट, घबराहट हो गया इसका भाववाचक संज्ञा। इसी तरह हम बहुत सारे उदाहरण इसमें ले सकते हैं, जैसे सजाना है तो सजावट, चढ़ाना है तो चढ़ाई, बहना है तो बहाव, मारना है तो मार, दौड़ना है तो दौड़, इत्यादि। अब सर्वनाम, सर्वनाम में जैसे मान लेते हैं अपना, तब कहते हैं किसी को अपना, जब उसमें क्या झलकता है, अपनापन। तो यह अपनापन जो है वह क्या है, गुण है, यानी कि यह हो गया भाववाचक संज्ञा। इसी तरह मम, मम है सर्वनाम, इससे बनता है ममता। इसी तरह हम देखेंगे ममता भी बन सकता है, ममत्व तो भी बन सकता है। इसी तरह अगर निज है तो निजत्व तो भी बन सकता है, निजता भी बन सकता है। अब हम देखते हैं अव्यय से, जैसे दूर, यह स्थान दूर है, कैसे पता चला, दूरी देखकर, है ना, तो इसका हो जाएगा दूरी। इसके बाद समीप, तो सामीप्य। इस तरह से हम कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। दरअसल उदाहरण जितने ज्यादा, जितना ज्यादा आप देखेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको ये चीजें एमसीक्यू हल करने में मदद करेंगी, बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखी या सुनी चीज जो होती है वह हमारे मन मस्तिष्क में बैठी हुई होती है, और हम विकल्पों में देखते हैं तो सही विकल्प हम अपने आप चुन लेते हैं। इसीलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि इन जितने भी उदाहरण हैं, इनके जो लिस्ट वगैरह होते हैं, उनको देखते रहिए। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसको समझते रहने की जरूरत होती है। तो उदाहरण देखिएगा, जितने ज्यादा आप हल करेंगे उतने ही, जितना अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, जितने उदाहरण देखेंगे, उतने ही आसानी से आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। अब हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, तो उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तियों का समूह कहाँ हो सकता है, सभा में, दल में, गिरोह में, है ना, तो मेले में भी हो सकता है, यहाँ पे मेला भी लिख सकते थे, क्योंकि बिना व्यक्तियों के समूह के तो मेला होगा ही नहीं, बिना व्यक्तियों के समूह के सभा भी नहीं होगी, दल भी नहीं बनेगा, गिरोह भी नहीं बनेगा, तो ये क्या कहलाता है, समूहवाचक। इसी तरह अगर हम वस्तुओं का समूह देखें तो गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद, है ना, केले का घौद कहते हैं, अंगूर का गुच्छा कहते हैं। इस तरह से अलग अलग शब्द हैं जो वस्तुओं के समूह को दर्शाते हैं, ये सारे शब्द आएंगे समूहवाचक के अंतर्गत। इसी तरह जो शब्द व्यक्तियों के समूह को दर्शाते हैं वो आएंगे व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, यहाँ पर आपको बताने के लिए मैंने एक चीज ढूंढी थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि धातु, खनिज, तरल और पदार्थ। धातु, खनिज, तरल और पदार्थ, ये चारों चीजें जिन्हें नापा या तौला जा सकता है, वो सारी चीजें द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें हम देखते हैं ये धातु, तो सोना, चांदी, लोहा, ये सारी चीजें क्या है, धातु है, तो ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। जितने खनिज होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तरल पदार्थ जैसे दूध है, पानी है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद किरोसिन वगैरह जो भी, जो तरल जैसे कि लीटर में जिसको हम लोग लेते हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और पदार्थ यानी कि कोई भी वस्तु इसके अंतर्गत आ जाएगी, कोई भी पदार्थ इसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये सारे आ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक तो हमने जो पांचों संज्ञाएं हैं उनके बारे में जान लिया है। कौन कौन सी संज्ञा है आपको याद होगा, सबसे पहले हमने बात की व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें या तो किसी एक व्यक्ति का बोध हो या फिर किसी ऐसी वस्तु का बोध हो जो संसार में एक हो। दूसरा हमने देखा जातिवाचक संज्ञा,
इसे जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, तो इसमें हमने देखा कि जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है, तो व्यक्ति के इस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा इत्यादि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हमने जाना समूहवाचक के बारे में, तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक कहते हैं। इसके बाद हमने जाना द्रव्यवाचक के बारे में, तो द्रव्यवाचक में हमने जाना कि नाप तौल वाली जितनी वस्तुएं हैं उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसमें धातु, खनिज, तरल और पदार्थ, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। अब हम देखेंगे कि संज्ञाओं का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाता है, ठीक है, कैसे हो जाता है, तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में हो जाता है और कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है। तो यह प्रयोग के आधार पर भी निर्भर करता है कि वाक्य में किस तरह से उसका प्रयोग किया गया है, इसके आधार पर भी संज्ञा का निर्धारण होता है। हमने पहले भी बात की थी शब्द और पद की, तो वो चीज यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, अगर एक शब्द दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह कौन सी संज्ञा है, तो उसको हम लोग वो जातिवाचक के अंतर्गत आए या व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आए उसको हम लोग उसके हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा हो कि वह किसी वाक्य में हो और वाक्य किसी खास अलग ढंग से लिखा गया हो और जहाँ पर उसका प्रयोग यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में या जातिवाचक संज्ञा का रूप व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया हो, तो वहां पर हमें वाक्य का संदर्भ देखना होगा। और भाषा में वैसे भी कहते हैं कि संदर्भ का बहुत महत्व होता है, अगर हम संदर्भ के महत्व को नहीं समझेंगे तो भाषा अपने पूरे अर्थ के साथ हम तक नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में हो जाता है, कैसे होता है, जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी, हम अगर कहते हैं पुरी जा रहा हूं, पुरी जो है वो व्यक्तिवाचक तो है नहीं, जातिवाचक है, लेकिन हम अगर हम कहते हैं पुरी जा रहा हूं मतलब अर्थ स्पष्ट है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जगन्नाथपुरी। तो यहाँ पे प्रयोग किया हमने जातिवाचक का, लेकिन वो द्योतक किसका हुआ, व्यक्तिवाचक का। इसी तरह हम कहते हैं कि देवी पूजन करने जा रहा हूँ, जबकि अगर मान लीजिए नवरात्र चल रहा है और हम कहते हैं कि देवी पूजन करने जा रहा हूँ, तो स्पष्ट है कि वहां पर देवी से किसका अर्थ आ रहा है, दुर्गा का। इसी तरह आप देखते हैं कि दाऊ, दाऊ अगर हम कहते हैं तो ब्रजभाषा में क्या, दाऊ किसी के भी भाई को कह सकते हैं, लेकिन दाऊ कहने से हम सिर्फ कृष्ण के भाई बलराम को ही देख रहे हैं प्रसंग के अनुसार, तो यहाँ पर ये हो सकता है। इसी तरह संवत कहने से विक्रमी संवत का बोध होता है, भारतेंदु से अगर हम सिर्फ भारतेंदु कहते हैं तो पता चल जाता है कि यह किसके बारे में बात की जा रही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात की जा रही है। और अगर हम सिर्फ कहते हैं कि गोस्वामी जी ने कहा था, तो गोस्वामी जो है वो क्या है, जातिवाचक है, टाइटल है वो, लेकिन हम जब कहते हैं कि गोस्वामी जी ने कहा था तो हम स्वयं समझ जाते हैं कि तुलसीदास की ही बात हो रही है, तुलसीदास जी की ही बात यहाँ पे की जा रही है। इसी तरह बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएं जो होती हैं, हमने पढ़ा था योगरूढ़ के बारे में, तो योगरूढ़ संज्ञाएं जो होती हैं वो मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के रूप में आती हैं। और योगरूढ़ आप जानते हैं किसको कहते हैं, बहुव्रीही समास को, यानी कि जिसमें दो पद रहेंगे लेकिन जो अर्थ होगा वो दोनों पदों को छोड़कर तीसरा अर्थ होगा। तो ऐसी जो संज्ञाएं होंगी वो हमेशा जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग की जाएंगी, जैसे पंकज है ना, तो पंकज कीचड़ में कुछ भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हम हमेशा उसको क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक के रूप में लेते हैं, कमल के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का वाक्य में जब प्रयोग होता है तो ऐसा हो सकता है कि जातिवाचक हो लेकिन उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में किया गया हो। इसी तरह हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक का भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि एक नाम रहेगा लेकिन वह अनेक के अर्थ में प्रयोग होता है। ऐसे ऐसा किसी व्यक्ति के असाधारण गुण को दिखाने के लिए किया जाता है।
देखेंगे आप साहित्य में कई सारे वाक्य आते हैं, जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, गांधी अपने समय के कृष्ण थे। कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पे उसको जातिवाचक की तरह दिखाया गया है। इसी तरह यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, क्या हम कहते हैं ना कि यह बहू तो हमारी लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो एक है, देवी लक्ष्मी, लेकिन यहाँ पे जब हम लक्ष्मी कहते हैं तो क्या होता है, एक जातिवाचक शब्द वो बन जाता है, यानी कि एक ऐसी स्त्री जो धन ऐश्वर्य वैभव से संपन्न हो, है ना। इसी तरह तुम कलयुग के भीम हो, भीम तो एक ही थे, आपने देखा हो कि महाभारत के पात्र हैं भीम, लेकिन तुम कलयुग के भीम हो, यानी कि तुम कलयुग में भी उतने ही बलशाली हो। तो भीम जो है वो जातिवाचक हो गए, किसके रूप में? बलशाली के रूप में। इस तरह से जब हम साहित्य में पंक्तियों को उठाते हैं और वहां से अगर कुछ पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक है जातिवाचक है, तो वहां पे हमें इसके प्रयोग को देखना होगा कि किस रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि भाववाचक और जातिवाचक में भी कभी कभी एक इस तरह से उलझन दिखाई देती है कि भाववाचक संज्ञा है लेकिन उसका प्रयोग जो है वो जातिवाचक में किया गया है। ये कैसे होता है? तो कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है ना, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं में हुआ है। पहरावे से पहनने वाले वस्त्र का बोध होता है। इस तरह हम देखते हैं कि संज्ञा के पांच भेद होते हैं। पांचों भेदों के बारे में हमने जाना, इसके प्रयोग के बारे में जाना, हमने ये भी जाना कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जा सकता है। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। ये तो हमने कर ही लिया है। अच्छा, संज्ञा के रूपांतर। संज्ञा का रूपांतर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम लोग चाहें तो इसको आज भी कवर कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि संज्ञा एक विकारी शब्द हम जानते हैं, तो अगर विकारी शब्द है तो लिंग वचन कारक से इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, पड़ता भी है। किस तरह पड़ता है? मान लीजिए नर लड़का खाता है, लड़का खाता है, ठीक है। अगर हम इसका लिंग बदल दें तो क्या हो जाएगा? लड़की खाती है। अगर हम इसका वचन बदल दें तो क्या हो जाएगा? लड़के खाते हैं। तो इस तरह लिंग वचन और कारक के अनुसार जो संज्ञा होती है वो बदलती है। जैसे इसमें लड़का जो है वो पुल्लिंग है, लिंग बदल दिया, लड़की स्त्रीलिंग हो गई। लड़का एक वचन है, लड़की बहुवचन हो गई, लड़के जो है वो बहुवचन हो गया। और यहाँ पे लड़की जो है वो स्त्रीलिंग है और लड़का जो है वो पुल्लिंग है ना। तो लिंग वचन और कारक के अनुसार इसका रूपांतर होता है। अब इसी तरह एक लड़का जा रहा है, तीन लड़के जा रहे हैं, कारक चिन्हों के अनुसार भी बदलता है। जैसे लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने, जैसे मान लीजिए लड़का खाना खाता है तो लड़के ने खाना खाया, लड़कियां खाना खाती हैं, लड़कियों ने खाना खाया, है ना। जैसे बिना कारक चिन्ह के भी अगर हम ले तो लड़के खाना खाते हैं, लड़कियां खाना खाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कारक चिन्हों के साथ, मतलब संज्ञा शब्द जो होते हैं, इनका रूपांतर लिंग वचन और कारक के साथ होता है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न लेंगे और उन प्रश्नों के जवाब उम्मीद है कि आप दे पाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? और प्रश्न है, मेरी व्याकुलता पर दया करो। तो यहाँ व्याकुलता यह शब्द जो है वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। छोटे बच्चों की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, इसमें भाववाचक संज्ञा हम ढूंढेंगे, मुस्कुराहट। लड़ाई से कभी लाभ नहीं होता, तो इसमें लड़ाई। सिंहनी की आंखों की भयंकरता समाप्त होने लगी, भयंकरता। कृष्ण सुदामा की मित्रता अनुकरणीय है, तो ये मित्रता। इस तरह ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? जातिवाचक संज्ञा को ढूंढेंगे, कौन कौन सी जातिवाचक संज्ञा है इसमें। भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी?
भगवान, पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? राज्य। लेकिन अगर इसी में व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी होती तो हम पश्चिम बंगाल ढूंढते। पानीपत में कई लड़ाइयां हुई हैं, इसमें जातिवाचक संज्ञा लड़ाइयां। अशोक को तक्षशिला का शासक नियुक्त किया गया, इसमें जातिवाचक संज्ञा शासक। अगर व्यक्तिवाचक ढूंढना होता तो हम अशोक को अंडरलाइन करते। छोटा नागपुर में लोहे और कोयले के भंडार हैं, अब इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या होगा ये आप बताइएगा, लोहे और कोयला। इसी तरह कुछ और शब्द भी हम ले सकते हैं, कुछ और उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जिसके आधार पे अभी तक में हमने जो पढ़ा उसकी जांच कर सकते हैं। अब आप बताइए कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें चार विकल्प मान लेते हैं कि आपके पास है, बुराई, अच्छाई, थकावट, आलस्य, और क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा आपको ढूंढनी है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले कि क्रिया कौन सी है और फिर उससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बन रही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द कौन सा है? हरा, पतला, सभा और गहरा। अब यहाँ पे देखिए कि संज्ञा शब्द इसमें कौन सा है। इसी तरह मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो तरह का विकल्प रहता है जिसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने लिया भी है। अगर दोनों विकल्प हैं तो आप मनुष्यत्व को टिक करेंगे, क्योंकि मानवता जो है वह विशेषण में भी जा सकता है, लेकिन मनुष्यत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर वहाँ पे विकल्प में मानवता ही दिया है और मनुष्यत्व नहीं दिया है, तब तो आप मानवता को ही टिक करेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? तो ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा है। उम्मीद करते हैं आपको यह कक्षा पसंद आई होगी और आपने संज्ञा के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं किसी अन्य कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।